वैश्विक महामारी कोरोना और लॉकडाउन के चलते बंद हुए स्कूल सरकार के नए निर्देश अनुसार दोबारा से खोले गए। सरकार की नई गाइडलाइंस अनुसार कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएं दो पारियों में कराने के निर्देश सरकार द्वारा दिए गए। सोमवार को पूरे प्रदेश के साथ साथ बिलारी के भी सभी कॉलेज उचित व्यवस्था के साथ खोले गए तथा सभी कॉलेजेस में सैनिटाइजर थर्मल स्कैनिंग के साथ ही सभी छात्र छात्राओं को विद्यालय में प्रवेश दिया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं एवं स्कूल स्टाफ के चेहरों पर खुशी की लहर देखने को मिली। बिलारी तहसील के BHP मेमोरियल इंटर कॉलेज, SBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल हाथीपुर, एवरग्रीन इंटर कॉलेज, NDKR इंटर कॉलेज, HSA इंटर कॉलेज सहसपुर, जनता इंटर कॉलेज सहसपुर के प्रबंधकों द्वारा उचित व्यवस्था के इंतजाम किए गए। बिलारी से विशाल चंद्र की रिपोर्ट। स्कूल में सैनिटाइजर की व्यवस्था, इसके अलावा मास्क और बच्चों के टेम्परेचर चेक करने के लिए जो मशीन है, उन सभी की व्यवस्थाएं स्कूल के द्वारा कर दी गई है। बच्चों में क्लासरूम में बच्चों को 6 फीट की दूरी का जो आदेश है उसी के अनुसार बच्चों को बैठाया गया है और उनकी गार्जियंस पेरेंट्स से अनुमति लेकर ही, जैसा कि विभाग का निर्देश है, आदेश है कि बच्चों के माता पिता से लिखित अनुमति लेकर ही बच्चों को स्कूल बुलाया गया है। और बच्चों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए जितने भी हर संभव प्रयास है और जो भी गाइडलाइन है, जो दिशा निर्देश हैं, जो उपाय हैं, वो सारे बच्चों को बताए गए हैं। बच्चों को बताया गया है कि वो अब आगे से लगातार स्कूल आएँ, अपने शिक्षण का जो इंटर कॉलेज हैं या हाई स्कूल भी है जिसमें 212 कक्षाएँ चलती हैं, संचालित होती हैं, उन्हें SOP के जो गाइडलाइन है विभाग की, जो गाइडलाइन केंद्र सरकार की, उसका लोग आज खोल दिया है।